केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वापकोस और एनपीसीसी ने 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका विषय एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वापकोस में विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रमुख स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाना, बच्चों और कर्मचारियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनपीसीसी भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम के अनुसार फरीदाबाद और गुड़गांव में पढ़ रहे बच्चों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। वापकोस और एनपीसीसी ने 4 नवंबर 2022 को सीएसओआई ऑडिटोरियम चाणक्यपुरी नई दिल्ली में निवारक सतर्कता सम्मेलन वापकोस और एनपीसीसी में प्रभावी प्रबंधन हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में सचिव पंकज कुमार मुख्य अतिथि थे। शैलेंद्र सिंह मुख्य प्रौद्योगिकी जांचकर्ता सीवीसी और डॉक्टर नितिन दीप ब्लगन डीआईजी एवं शाखा प्रमुख AC1 CBI नई दिल्ली ने भी सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही आरके अग्रवाल CMD, पंकज कपूर निदेशक वित्त, अनुपम चंद्रा CBO और वापकोस और एनपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों में CBO और VO ने भी भाग लिया। नई दिल्ली से dailynewsonline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। बट जरूरी नहीं है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बट वो आपका टाइम लेता है। और कुछ चीजें एक अपोजिट स्पेक्ट्रम में होती हैं। दे डू नॉट सीम टू बी अर्जेंट बट दे आर इम्पोर्टेंट। तो इंडिविजुअल लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज है, वो बुक में था कि आप लॉन्ग टर्म इमेजिन करिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए पर्सनल पर्सपेक्टिव। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीजें आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसकी अर्जेंसी नहीं महसूस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं हम टैकल करते जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक चीज है जिसको हमें बाद में इससे फायदा मिलने वाला है वो चीजें थोड़ा पीछे रह जाती। अगर इसको विजिलेंस में देखें तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई वुड से द प्यूनिटिव एंड द प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव इज व्हाट हैज हैपेंड, व्हेन समथिंग हैज हैपेंड देन ऑल हेल विल ब्रेक लूज। सब जगह से आएगा कि इसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या डिसिप्लिन एक्शन हो रहा है, क्या दूसरे कार्यकलाप हो रहे हैं इसको ठीक बनाने के लिए। सो that is, but that organizationally that tends to slow down things. आपकी attention उस तरफ जाती है, आप उसको tackle करते हैं, लेकिन वो बहुत efficient mechanism नहीं है। उसकी जगह अगर हम उसे prevent कर पाए, if we think strategically, department के लिए क्या important है, आपके organization की survival के लिए क्या important है, so that becomes part of the preventive vigilance. प्रधानमंत्री जी टाइम टाइम पे रिव्यू लेते हैं, उनमें से एक रिव्यू होता है पब्लिक ग्रीवांसेस का, और एक चीज वो बोलते हैं कि आप पब्लिक ग्रीवांसेस तो कम करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो पब्लिक ग्रीवांसेस आपके पास आ रहे हैं वो क्यों जनरेट हो रहे हैं। कुछ कैटेगरीज होती हैं पब्लिक ग्रीवांसेस की जो ज़्यादा जनरेट होती हैं, और अगर कुछ ऐसे ग्रीवांसेस हैं जो ज़्यादा संख्या में जनरेट हो रहे हैं तो आप अपने प्रोसीजर्स को देखिए, क्योंकि कोई वजह होगी कि इतने लोग आपसे दे आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज और द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। उससे आप प्रोसेस चेंज जब लाएंगे तो एक तरह से आप प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं टू रिड्यूस द पब्लिक ग्रीवांस। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस शुड कंडक्ट देमसेल्व्स।
दूसरा एस्पेक्ट है द वे वी कंडक्ट आवर प्रोसेस। के पास आता है वो हमको रिकमेंड करता है, फॉरवर्ड करता है देखने के लिए, मिनिस्ट्री के पास आता है और डिपार्टमेंट में सी एम डी साहब के पास है, हमारे पास आता है। और चौथा एक रूट जो होता है वो होता है पीडीपी, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रिवेंशन ऑफ आइडेंटिटी एक्ट के अंदर। उसमें क्या है, कंप्लेनेंट जब पीडीपी कंप्लेन करता है तो सी ई सी उस कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को हाइड करता है, तो वो हमें भी नहीं पता किसने कंप्लेन की, लेकिन लोग उसके बारे में जागरूक नहीं है। ये जागरूकता की जा रही है पीडीपी के अगेंस्ट में, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल आ गया, वहाँ सब मिलेगा लोगों को। तो पीडीपी से अगर किसी को कोई शिकायत हो, वो नहीं चाहता कि मेरा नाम सामने आए, लेकिन ऑलवेज अदर कंप्लेन। लेकिन फिर पीडीपी में आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं सारे आपको सारी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, वो भी वेरीफाई होती है। अनवेरीफाइड कंप्लेन भी पीडीपी में नहीं जाती, वो सीबीसी करता है या मिनिस्ट्री का सीईओ करता है। हम डिपार्टमेंट लेवल सीईओ पीडीपी हैंडल नहीं करते, दे आर नॉट ऑथराइज्ड। तो वो करते हैं और पीडीपी के लिए उस कंप्लेन की आइडेंटिटी स्कोर आउट करके फिर हमको देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करो, उनको रिपोर्ट दे दो। तो इस तरह कंप्लेन्स हैं, लेकिन फिक्टिशियस एनोनिमस कंप्लेन्स को रोकने के लिए सही है कि जो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना है और विजिलेंस एक्टिविटीज़ को अच्छा बढ़ाना है, जिससे देश एक डेवलप नेशन में परिवर्तित हो सके 2047। जी, जल संसाधन में किस तरह से तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। जल संसाधन में स्कैडा सिस्टम्स है, जियो टैगिंग है, इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। अभी जो बच्चों को अवेयर कराया जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, तो उन बच्चों को क्या मतलब कहा गया, क्या करने को कहा गया कि वो अवेयर हो रहे हैं जल संसाधन में? जल संसाधन में सबसे बड़ी अवेयरनेस जो जल संसाधन में है कि हमें पानी को संरक्षण करना है। पानी की धीरे धीरे कमी हो रही है, तो जब तक बच्चों जो बच्चे जो कल के नागरिक हैं उनमें ये प्रोत्साहन दिया गया है, उनमें जल संसाधन के प्रयोग की और कंजर्वेशन की संदेश दिया गया है, जिससे देश में आगे जागरूकता आएगी। क्या राज्य सरकारों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई है और राज्यों में भी ऐसे कार्यक्रमों का? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की तरफ जल शक्ति मंत्रालय में जागरूकता का अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और देश के सभी जिलों में शुरू है। सर, नई नई टेक्नोलॉजी से क्या चुनौतियां दे रहे हैं आप? एनजीओ भी जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं गांव-गांव में, आप क्या कहना चाहेंगे? जल संसाधन और जल संरक्षण में एनजीओ का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि वही लोग जनमानस से कनेक्टेड रहते हैं। सर, विजिलेंस के लेकर किस बात की चुनौतियाँ हैं आज नई नई टेक्नोलॉजी में, क्या देखते हैं? टेक्नोलॉजी से ही विजिलेंस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जैसे आपने देखा है पिछले दशक में भी टेक्नोलॉजी हर जगह प्रयोग हुई है और उससे प्रिवेंटिव विजिलेंस में हमें बहुत योगदान मिला है इंटरनेट और बाकी टेक्नोलॉजी से। थैंक यू।